हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कुवैत का सोना समझ कर लेना। जी हाँ, टुडे कुवैत गोल्ड रेट क्या है और कुवैत गोल्ड रेट आज किस तरीके से दिनार से लेकर के इंडियन रुपीस में हम आपको कन्वर्ट करके दिखलाएंगे और बतलाएंगे इसी वीडियो में कि कुवैत में कितने दिनार का जो गोल्ड का सामान ले रहे हैं वो इंडियन रुपीस में कितने रुपये का बैठेगा, और उस हिसाब से देखा जाए तो आप सस्ते में रहेंगे या घाटे में रहेंगे। वैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कुवैत में अगर आप सोना परचेस कर रहे हैं या सऊदी में सोना परचेस कर रहे हैं तो इंडिया जब ले जाते हैं तो उस सोने की कीमत और यहाँ के सोने की कीमत में करीबन 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, यानी कि आपको सस्ता पड़ता है। अगर आप कुवैत देश में सोना ले रहे हैं तो आपको 4-5 हज़ार रुपया सस्ता पड़ेगा इंडियन रेट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कुवैत में गोल्ड का रेट क्या है और उस रेट को इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो पर ग्राम के हिसाब से कितना रुपया इंडियन रुपीज़ में बैठेगा। इसके अलावा कुवैत देश में सोना समझ कर लेना, समझाने का मतलब मेरा बस यही है कि देखिए, सोना जो है हम जो हैं इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं ना कि सोना की परचेसिंग करें। सोने की परचेसिंग ये तो भाई घर में माँ करती हैं, तो फिर जो लेडीज़ होती हैं वो करती हैं, जो सोने के बारे में जानकारी होती है, जेवर वगैरह पहनना उनका काम होता है, तो वो सब देखती हैं कौन सा मजबूत है कौन सा नहीं मजबूत है। फिलहाल अगर आप सोना ले रहे हैं तो सोना भाई देखिए 22 कैरेट का मजबूत माना जाता है। वैसे तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर सोना होता है, लेकिन 22 कैरेट का जो सोना होता है वो सोना मजबूत माना जाता है। फिर आप कुछ अमाउंट और करेंगे कम तो 20 कैरेट का आ जाएगा, फिर 18 कैरेट का आ जाएगा। इसी तरीके से कैरेट घटेंगे तो आपका रेट का अमाउंट भी घटेगा। लेकिन दोस्तों, आपको समझाने का मेन मोटिव यही है कि कुवैत देश में सोना अगर आप ले रहे हैं तो कितना सोना ले कि जितना आप ले जा सको। नहीं तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि एयरपोर्ट पे आपको कोई दिक्कत हो या आप इंडिया में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर आपके साथ कुछ टैक्स वगैरह उसूला जाए। वैसे तो फिलहाल कोई अगर लेडीज़ है तो वो तो पहन के जा सकती है, लेकिन जेंट्स के साथ थोड़ी सी मुश्किल होती है फिलहाल ये सफ़र के दौरान, और कहीं कहीं एयरपोर्ट में तो कुछ भी नहीं होता, आराम से आदमी लेके चला जाता है। लेकिन फिलहाल कुवैत देश में मेरा मेन टॉपिक है समझ कर लेना भाई। मेरे समझाने का मतलब यही है कि अगर आप कुवैत देश में सोना लेने जा रहे हैं तो भाई 24 कैरेट का रेट मत दे के आना। 22 कैरेट का ले रहे हो तो 22 कैरेट का ही लेना। इसके अलावा 22 कैरेट का ले रहे हो, 20 कैरेट का ले रहे हो, 18 कैरेट का, जितने कैरेट का ले रहे हो उतने कैरेट का रेट का मामला अलग रहता है और 24 कैरेट सोने का रेट का अलग रहता है। तो मेरे हिसाब से भाई जितने कैरेट का ले रहे हो वो आप सर्च कर सकते हो गूगल पर आज का क्या रेट है, और दुकान पर आप पूछ सकते हो दुकान पे उसका क्या रेट है। और भाई यहाँ पर भी जिस तरीके से इंडिया में होल मार्का वगैरह होता है यहाँ पर भी उसका सब मामला है, लेकिन मैं उस चीज़ को इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी तो आप लोग को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कुवैत देश में गोल्ड का क्या रेट चल रहा है और उसको इंडियन रुपीज़ में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना रुपया बैठेगा। और इसी के साथ साथ बस हमारा मेन मोटिव था कि कुवैत में सोना समझ के लेना, समझाने का मतलब यही था कि जितने कैरेट का ले रहे हो उतने कैरेट का अमाउंट आप देना और पूछ लेना कि ये मैं भाई हार ले रहा हूँ, जंजीर ले रहा हूँ, या मैं जो भी टप्स ले रहा हूँ या झुमका ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ वो कितने कैरेट का है और इसकी पहचान कैसे करें, और उसको पूरी तरीके से जांच परख करके भाई लेना। क्योंकि यहाँ पे लेने के बाद जब इंडिया में बेचने कभी इन फ्यूचर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम्स आई तो आपको कुवैत आओगे फिर कुवैत में एक्सचेंज करोगे तो कोई आता नहीं ना, फिर नुकसान हो जाए या फिर दिक्कत हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि भाई सोना समझ कर लेना और जितने कैरेट का है उतने कैरेट की पहचान करके अच्छे से दुकान से लेना, और इसके अलावा थोड़ा से लेना। कितना लेना इसको भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चलिए जानते हैं कुवैत देश में कुवैत गोल्ड रेट आज का क्या रेट है। कुवैत टुडे गोल्ड रेट में आज आप जानेंगे कितना रुपया है और इंडियन करेंसी में कितना। जल्दी से मैं ग्राफ खोलता हूँ और चलिए देखते हैं। सामने जो ग्राफ आपको दिखलाया जा रहा है इसमें 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड अगर आप लेते हैं कुवैत देश में तो 17 दिनार 750 फिलिस का बैठेगा,
और अगर इसको देखा जाए तो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप 240 के हिसाब से अगर आप जोड़ते हैं, वैसे तो करेंसी रेट फ्लैक्चुएट हुआ करता है, लेकिन फिर भी 17,3400 रुपया ये हो गया। और सवा मियाँ खमसिन के हिसाब से आपका देखा जाए तो ऐसा ही कुछ 3600-3700 रुपये के आसपास आपका 24 कैरेट गोल्ड 1 ग्राम पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर 22 कैरेट गोल्ड है, 21 कैरेट है, 18 कैरेट है। वैसे तो फ़िलहाल लोग 22 कैरेट गोल्ड को बेहतर गोल्ड मानते हैं और उसमें मजबूताई भी होती है और अच्छा भी होता है। तो इस तरीके से अगर आप 22 कैरेट गोल्ड का सामान लेते हैं तो 16 दिनार 950 फिलिस का बनेगा, यानी कि 50 फिलिस कम 17 दिनार का, तो ये पड़ जाएगा करीबन 17 दुना 3400 रुपया ये, और 17 चौका 64 600, मतलब 34 6 38 3700 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। आप 1 दिनार को 240 के हिसाब से कन्वर्ट करके देख लीजिए। और आप जहाँ पर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके यहाँ कौन सा इंडियन हिसाब के हिसाब से यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से क्या रेट चल रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको ये डॉलर में भी ग्राफ दिखलाया जा रहा है कि 24 कैरेट 22 कैरेट 21 कैरेट 18 कैरेट, तो बेहतर है कि ये आज का रेट था कुवैत में गोल्ड रेट के हिसाब से, और आप बेहतर है कि 22 कैरेट गोल्ड को परचेस करिए और पैसे अमाउंट जहां आप इतना लगा रहे हैं वहां और थोड़ा लगाइए, लेकिन बेहतर है कि 22 कैरेट गोल्ड का जो सामान होता है मजबूत और बेहतर और अच्छा होता है। तो मेरा सजेशन यही था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कुवैत गोल्ड रेट। जी हाँ, कुवैत गोल्ड रेट के बारे में आपको जानकारी मिल गई और इंडियन रुपीज़ में इतना बैठेगा। अब आप फोन लगाइए कि आपके एरिया में कितना इंडियन रुपीज़ में कितना रुपए का रेट चल रहा है, फिर आप ले सकते हो। और फिलहाल अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए टॉपिक के साथ नए दिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।